प्राइड बनाम विजयनगर वीर, क्या शानदार थ्रिलिंग मैच में ज्वाइन करेंगे यहां पर नवनीत भी। ट्रिप युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन, अमर वर्मा साहब यहां पर कह दिया कि चलिए मुकाबले को शुरू कीजिए, और मुकाबले को शुरू करने के लिए पहली रेड यहां पर लगाने आए हैं मोहित शर्मा। ओ हो 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 हो, नवनीत जहां सामने आपके सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस हो, यहां पर पहला सरप्राइज तो विजयनगर वीर्स ने दिया है। क्या कमाल का डिफेंस श्रीनाथ तेजावत द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, जिल अपने आप आ जाती है और फिर वो 100, 200, 500 एक दिन आ जाता है। बहुत अच्छी बात कही नवनीत आपने कि जब आप रास्ते पर आगे बढ़ चलते हैं तो आपको मंजिलें मिलती चली जाती है। यहाँ पर देखिए उन वाइज हम स्टेट्स बताते हैं प्लेयर के, ये बहुत मददगार है सिर्फ रेडर के लिए नहीं, हमारे दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि जो डिफेंसिव टीम है वो भी जान सकती है कि हमने अर्जुन राठी को कहाँ ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं और कहाँ हम उन्हें पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये जो दौर है, जो सिर्फ कबड्डी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए गणेश यहाँ पकड़े गए हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से उन्हें धर दबोचा गया है। और मैं उस डेटा के बारे में, जिस ग्राफिक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, फिर से हम लोग उस पर वापस आएंगे। तो जो ये डेटा, मतलब एक कहावत है, जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी तो लोग कहते थे वो जो ऑयल होता है ना। यहाँ पर 11 मुकाबले खेलने हैं सर्वाइवल राउंड में नवनीत, तो 11 मुकाबले हैं, एक दो मैचेस आप सेट होने के लिए ले सकते हैं जरूर, अगर आप बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं तो उससे अच्छी कोई बात होगी नहीं, क्योंकि सर्वाइवल राउंड के बाद चैलेंजर राउंड का आना है, उसके बाद समिट राउंड है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। यहाँ पर मोहित ने मोहित किया है अपनी रेडिंग स्किल से, 2 अंक ले गए। कभी कभी ज्यादा जल्दी करना डिफेंडर्स के लिए भी बहुत मुश्किलात भरा हो जाता है। चाहत थी वहां पर नहीं मिली, 8-4 राजू गल्ला फिर से एक बार, और अंकित कुमार का ओवरऑल स्टैट्स देखने को मिला है, 65 पॉइंट्स, टैकल किया है उन्होंने 112, और यहां पर पॉइंट मिला है राजू गल्ला को। फिर से एक बार राजू गल्ला आए हैं 10 नंबर की जर्सी में यहां पर, और 6 डिफेंडर्स यानी बोनस लाइन खुला हुआ, और विजयनगर वीर्स की देखिए अब रेट सक्सेस रेट की बात करें तो 38%। कल हमने एक शब्द नवनीत हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा हड़बड़ाना, वो थोड़ा सा यहाँ पर हड़बड़ाते हुए दिखाई दिए अंकित, बहुत ज्यादा दूर से एडवांस चले गए, सरप्राइज देने चले गए, बिल्कुल समय लगता है नवनीत, क्योंकि देखिए जब आप सरप्राइज आपको कोई देता है तो उसके ऊपर की रैपिंग को हटाने के लिए भी हमें समय लगता है, तो यहाँ पर समय ले सकते हैं, बट थोड़ा सा करमवीर ठाकुर मुझे लगता है कि लगातार लेट हो रहे हैं। एक बार फिर से टर्न लगाया जरूर, क्या थ्रू दी लॉबी यहाँ पर मिड लाइन क्रॉस कर दिया, अमर वर्मा साहब कहते हुए कि यहाँ पर एक और बार रेडर बाहर जाएगा, विजयनगर वीर्स का डिफेंस एक और बार छा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आप हड़बड़ा नहीं सकते हैं, आपने हिल में जो आपसे बातें करता हूँ, प्रेडिक्शंस आप आखिरी के 10 मिनटों में अच्छा लगाते हैं, लेकिन इस बार आपने पूरे टूर्नामेंट के लिए वो जो प्रेडिक्शन किया है और आपका जो प्रेडिक्शन रहता है वो तो जग जाहिर है, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे डेटाज और फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए डैश कर दिया गया है, जैसे डेटा और फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उनके आप उन चीज़ों को देखते हुए ये बात बताते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी पिछले एडिशन से उससे भी धमाकेदार ये इज माई ट्रिप युवा कबड्डी सीरीज का विंटर एडिशन होने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ टू और डाई रेड जरूर थी और हमने टू और डाई रेड यहाँ देखने को मिला है, और हमने एक और मेरे पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसलिए कहना है अगर वो टू और डाई में सिर्फ बोनस लेकर वापस आते, आउट करार दिए जाते तो शायद रिव्यू और ज्यादा बेहतर होता, बट वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, सिर्फ एक पॉइंट का वहाँ पर अंतर है, रिवाइवल का अंतर नहीं है। यहाँ पर जैसे आपने राजू गल्लुआ को बाहर भेजा, बिल्कुल यहाँ एक और टू और डाई रेड थी, अच्छा कार्य वहाँ पर आपके डिफेंस ने किया, आर्यन वहाँ पर सबसे पहले एंकल्स पर कूदे, अच्छा 7 वहाँ पर रोहित का मिला, यहाँ डू और डायरेड है अंकित कुमार, क्या रेड में पहला अंक अर्जित कर पाएंगे, डुबकी जरूर आई है बट वो डुबकी भेद नहीं पाएगी इस दीवार को, इस मजबूत दीवार को जो विजयनगर वीर्स के डिफेंडर्स ने बनाई है, बुलडोज करने का जरूर प्रयास किया था नवनीत, बट अब एक्चुअल टेस्ट होता हुआ यहाँ पर। जी बिल्कुल, टेस्ट होता हुआ और यहाँ पर पकड़े गए हैं, लेकिन देखिए लेफ्ट साइड में एक ग्राफिक्स दिख रही है कि अगला जो मैच होगा वो हम्पी हीरोज और नजर निगाहें टालीगा,
हम ये कहने ही चाह रहे थे और उतने ही समय में आर्यन कुमार ने आकर फ्रंटल ब्लॉक किया। साइनाथ समझ पाए नहीं कि कौन से डिफेंडर कहां से आए हैं, फ्रंटल ब्लॉक किया। जैसे देखिए पीठ दिखी और पीठ दिखने के बाद आर्यन कुमार निकलते चले गए और पूरी तरह से इंश्योर किया अपने एक बार और गणेश रमावत के द्वारा यहाँ पर हमें गिली दिख रही है, वो हमारी मैस्कॉट इस टूर्नामेंट के लिए। और वक्त गुजरेगा तो यहाँ पर देखिए सफलता आज नहीं मिली है विजयनगर वीर्स को डू और डाई रेड में, क्या इस पर मिला है सफलता? और पर यहाँ पर अंकित कहते हुए समय लग सकता है, देरी से आ सकता हूँ पर जब आऊंगा तो अनडाउटेडली यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को इम्प्रेस कर जाऊंगा। तीन खिलाड़ियों का शिकार बनाते हुए पहली सुपर रेड नवनीत अंकित की और पंचाला प्राइड के लिए इस विंटर एडिशन में। जी बिल्कुल, शानदार सुपर रेड यहाँ देखने को मिला है और इससे पंचाला प्राइड के लिए जो होप है जो थोर में पिछड़ रहे थे बिल्कुल नजदीक आ गए हैं 13 और 15। साईनाथ रेड में पॉइंट्स चाहिए विजयनगर वीर्स को अब, बट आर्यन कुमार ये हैंड का सिग्नेचर हुक स्टेप एंकल होल्ड के ये मास्टर हैं। अब बात कर लीजिए आशीष मलिक की, अब बात कर लीजिए राहुल कली रावना की, अब बात कर लीजिए लोकेश घुसलिया की, अब बात कर लीजिए मैच में नजर आए थोड़ा सा और एक्सपीरियंस होता चला जाएगा इन्हें जैसे जैसे मैचेस खेलेंगे। ये लीड बनाना जरूरी नहीं होता है, ये जरूरी होता है कि आप लीड कैसे बरकरार रखते हैं। नवनीत बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। यहाँ पर लीजिए सोलो डैश यहाँ पर नजर आया, पहले ब्लॉक किया और उसके बाद पूरी तरह से डैश कर दिया। जाना पड़ेगा यहाँ पर ड्रेडर को बाहर और ऑल आउट कर देगा पंचाला प्राइड। यह बिल्कुल, और कल हर्षित हम बात कर रहे थे कि पैसे ऊपर खेलिए, यानी कि दिमाग से थोड़ा सा खेलिए, सोच कर खेलिए, समझ कर खेलिए। अब पंचाला प्राइड के पास दो ऑप्शन हैं नवनीत यहाँ से, या तो मोमेंटम उनके पास है उस मोमेंटम के साथ साथ लीड को बढ़ा करें, या फिर यहाँ से उन्हें पता है कि हम दो अंकों की लीड में आ चुके हैं, विजयनगर वीर्स प्रेशर में है, थोड़ा सा गेम को स्लो करें। तो यहाँ कैसा पाथवे चूज करेगी पंचाला प्राइड ये इस मैच के फॉर्चून को तय करेगा। बट पंचाला प्राइड चाहती है कि मैच के फॉर्चून को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, पाथवे को यूं ही बढ़ाते चले जाएं। राजू गल्ला रेड में अपना से वो डाइव आने वाली है। यहाँ पर बड़ी जल्दी आप सभी के साथ अवगत कराएंगे स्कोर। रोहित सिंह, अगर आप किसी को जो बहुत ही पसंद करता है गुलाब जामुन खाना, अगर आप उसे प्लेट में रखकर सर्व करके देंगे तो वो बिल्कुल खाने में देरी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर वैसा ही था सबब है। साईनाथ को अब रेड लगानी होगी और अपने फुल पेस के साथ रेड लगानी होगी, कोशिश यही करनी कि लगातार वहां पर रेड लगाएं, कोशिश करें बोनस और टच पॉइंट्स का। ये देखिए ऐसे अगर आप जब तक प्रयास करेंगे नहीं तब तक आपको पॉइंट मिलेगा नहीं आता है। और ये सेकंड जर्सीज है हमारी ऑफिशियल्स की, तो ऑफिशियल्स को भी बहुत ही बेहतरीन जर्सीज दी गई है। बट राजू गल्ला पहले हाफ में इनके पास 5 पॉइंट थे, उसके बाद अब यहाँ पर रेड पर आए हैं और अब अगर रेड पर आए हैं निगाहें हटी हटी है तो यहाँ पर दुर्घटना घटना बिल्कुल लाजमी है। राजू गल्ला बाहर जाते हुए दूसरे हाफ में अभी तक नहीं अर कर पाए हैं एक भी अंक अर्जित। जी हाँ, पहले हाफ में उन्हें 5 पॉइंट मिला था और होगी क्या जो अगली रेड है पंचाला प्राइड की नवनीत, वो डू और डाई होगी। जी हाँ, एक पॉइंट बचा हुआ है डिफरेंस, ये 14 सेकंड का मैच खेल बचा है। साईनाथ को यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ करना पड़ेगा वरना उनकी टीम पिछड़ जाएगी इस मैच में। और यहाँ पर साईनाथ को पकड़ लिया गया है और पंचाला प्राइड को जीत का स्वाद चखने को मिलेगा, लेकिन 3 सेकंड अभी भी बचे हुए हैं। और जिस तरीके से पंचाला प्राइड रेड लगाती है मुझे पता है कि वो, लेकिन हो सकता है कि वो डिलीट किया विजयनगर वीर्स ने, इससे पता लगता है कि पिछला मैच शायद वो बाय डिफॉल्ट उनके पास गया था। बट विजयनगर